भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में दो घरों के बीच हुए आपसी विवाद में 5 वर्षीय अंकुश की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कुतुबगंज मोहल्ले के रहने वाले अरविंद यादव के 5 वर्षीय मासूम बच्चे अंकुश कुमार के बगल के ही रहने वाले पप्पू मंडल के पुत्र सौरभ कुमार समेत घर के अन्य सदस्यों के द्वारा अरविंद यादव के परिवार के साथ पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था और मामला थाने भी पहुंचा था, जहां दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया गया। दरअसल दोनों परिवारों के बीच रास्ते में पानी बहाने, रिक्शा रखने को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन आज शाम फिर से पप्पू मंडल के परिजन मृतक बच्चे के परिजनों से लड़ाई झगड़ा करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं बच्चा भी वहीं पर खड़ा था, जिसे पप्पू मंडल के पुत्र सौरभ कुमार और उसकी मां समेत अन्य परिजनों के द्वारा मारपीट की जाने लगी। 5 साल का मासूम बच्चा वहीं पर खड़ा था, जिसे सौरभ कुमार और उसकी मां के द्वारा रास्ते में पेट में मारा गया, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जब मृतक बच्चे के पिता थाना पहुंचे तब पुलिस वहां पर गई। इसके बाद भी दूसरे पक्ष के लोग मारपीट कर ही रहे थे। वहीं घटना में राकेश के चाचा समेत जो अन्य परिजन भी घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल एक अभियुक्त गौरव कुमार को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कारण ने पहले हुआ है ना, कारण क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, वो बच्चा पेशाब करने लगा, वो जो आया तो वह साड़ी पकड़ लिया। इसका मन में क्या कि मेरा मम्मी है, बस ये जो है कि मैं कह के हट ना, लात लेके बोल दिया हटो उधर, बस ये जो है कि गिर गया। तो गिर गया थाने, थाना को सूचना दिया, थाने थाना की पुलिस वहां पे पहुंची। हाँ, उसके बाद हाँ उसको बाद भी हुआ और उसको सामने मेरा मारा, पुलिस के सामने मारा। हाँ, मारा हमको झटका लिवा के, देखिए पहले यहाँ पक लिया, खून छर भर चल रहा है वहाँ। क्या मामला है? मेरा बाबू को लात से पेट में मार दिया, मेरा बाबू खत्म हो गया। सौरभ कुमार, उसका मम्मी सुनीता देवी, झंझट हो रहा था बड़ा से, अब मार बैठा मेरा बच्चे को, मार बैठा। इसे झगड़ा बराबर चल रहा था, तू बोला कि आबा जैसे नहीं तो राजनी का, तो राजनी का वो मारबू बढ़िया से। तो हम कहे कि जब तुम मारोगे जिस समय ना, तब देखा जाएगा, तुम सकोगे तब ना। लेकिन जो है वो आज जो है आज खा मखा के हमारा घर में कोई नहीं था, और झंझट करिया लेडीज में, हमारा बाबू खेलने के लिए वहाँ पे गया बीच में, तू जो है कि मार बैठा इसको पेट में लात लेके। हम 2 मिनट पहले ही घर आए थे, वो सीसीटीवी कैमरा में आपको दिखाई दे रहा है। कौन मार रहा है इसको? सर ये हमको नहीं पता सर, वो तेरे घर के नाद में रहे? हाँ सर, मेरे घर के। अरे ये मार के था, सब खून लगा ले शर्ट में। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आए हैं। इस बार उन्होंने अपना निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा और अपने विवादित बयान में नरेंद्र मोदी को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से पगला गए हैं, जनता चुनाव में उन्हें जवाब देगी। नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं और उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी एक हो चुकी है, इसलिए वह गैस सिलेंडर की कीमत को भी उन्होंने अचानक कम कर दिया। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है वह कितने झूठे हैं। उन्हें 2024 और 25 के चुनाव में जनता जवाब देगी। फिलहाल वह जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जो सिलेंडर का रेट कम कर लो, की लगे चुए? नहीं, देखिए ये बात सही है, मोदी जी घबरा चुके हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह क्षेत्रीय पार्टी सब हिंदुस्तान के अंदर एक हो रहा है तो पलटी मार सकता है, तो उन्होंने सिलेंडर का रेट घटना शुरू कर दिया सब कुछ। इससे तो पब्लिक पहचान गई है कितना ही झूठा है भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो पूरे देश के जनता समझ गई, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात सही है, उन्होंने फर्स्ट बार चाय बेचने वाले का बेटा बन के या गरीब अति पिछड़ा बन के वोट ले लिया, लोगों ने जम के दिया। फिर दोबारा उन्होंने ऐसा काम किया, पुलगामा वाला काम करके उन्होंने अपने देश के वीर बहादुर जो रक्षक करते हैं हम लोग के घर में बैठे हुए हैं, उनकी हत्या करवा दी और एक दो रोज के बाद पुनः बदला ले लिया। तो लोगों को लगा अरे बाप रे बाप, इन्होंने तुरंत बदला लिया इस एक्शन में, ऐसा कि हर जाति के लोग उनको वोट दे दिया। क्या लग रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है जनता को? लॉलीपॉप दिखा रहा है।
वो लॉलीपॉप दिखा रहा है। स्थिति बड़ा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का गंभीर है। वो चंगला गए हैं, पंगला गए हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, बिल्कुल। कितना सीटों से जीतेगा ये? 40 का दावा कर रही बिहार में। कौन ऐसे बोलता है? सभ्य कहता है 40-40, वो ज्यादा नहीं। हम तो ऐसे कहेंगे कि दो, लेकिन दो नहीं तो 5 बोल देते हैं, उतना छोटा नहीं करेंगे। लेकिन जो बोल रहे हैं वही बतवा, हम बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं है। 5 सीट से ज्यादा उनको आ ही नहीं सकता बिहार में। अगले बार गठबंधन था तो 39 सीट आई, इस बार तो वो दावा कर रहे हैं कर ले। नहीं नहीं, ऐसे दावा करता है, लॉलीपॉप लोगों को दिखा रहा है। कौन वोट है? वोटवा कहा आपको? किस जाति का वोट है? सबको तो आपने बर्बाद किया। सरेंडर सस्ता करने से क्या होगा? ये तो लोगों के दिमाग में दिख भ्रमित कर रहा है, मैंने कम किया। जनता सब चीज महंगाई देखिए, GST लेने के लिए गरीब पर कैसे वो खेल खेलता है। 25 किलो का चावल का बोरी, 25 किलो आटा का बोरी, उसमें GST लेने के लिए वो 26 किलो कर रहे हैं। वो तो अत्याचार कर रहे हैं ना, 30-35-40 हजार महीना कमाने वाले को क्या होगा? चुनावी लॉलीपॉप चलेगा। हाँ, चुनावी लॉलीपॉप, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। ठीक। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा लालू यादव को सठिया जाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भागलपुर के नगर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि लालू यादव देश के बड़े नेता हैं और उनके बारे में इस तरह का बयान गठबंधन में रहकर विधायक को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या गोपाल मंडल को चुनाव में राजद के लोगों का समर्थन नहीं लेना है। वहीं उनके खाने पर भी सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं और उन्हें डॉक्टर सब चीज खाने की सलाह भी देते हैं, तो लालू जी ने अगर मटन खा भी लिया तो यह कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मैंने भी बाइट सुना है उनका। उन्होंने लालू यादव कहा वो सठिया गए। आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में इस तरह का बयान एक विधायक दें, यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक नेता है, बिहार में उनको सम्मान है, और सठिया गए, वो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं, बैठक में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और आप कह रहे हैं कि सठिया गए, ये तो उनकी सोच है बोलने का। लेकिन अगर उनको तो पूरे बिहार से, क्या आप जब गठबंधन में हैं तो क्या आप उनके वोट, उनके साथ जो वोट जुड़े हैं आपको नहीं मिलना लेना है? ये उनको क्या बोले हैं हमको समझ में नहीं आता, कोई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी हमारे सम्मानित नेता हैं और सम्मानित रहेंगे जब तक वो बिहार की धरती पर है, देश की धरती पर है, वो सम्मानित हमारे नेता हैं। भाई वो तो मीट मछली सब खा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन्हीं का नहीं, बहुत लोगों का होता है पूरे विश्व में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या है कि हम खाएंगे नहीं, जो डॉक्टर मना करेगा वो नहीं खाएंगे। अगर मीट खाने को डॉक्टर इजाजत देता है क्यों नहीं खाएंगे? और उनको इसमें आपत्ति क्या है कि क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी पर इंडिविजुअल बातें करना, क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि विपक्ष के लोगों पर कभी राहुल गांधी जी को कुछ बोल देंगे, कभी लालू जी को बोल देंगे, कभी नीतीश जी को बोल देंगे। ये जब महागठबंधन में एक तरफ नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को सहेजने में लगे हुए हैं, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के सपने को वो पाल रखे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में सुशासन के बदले जंगल राज कायम होता जा रहा है। हर दिन हत्याएं, लूट, गोलीबारी जैसी घटना आम बात हो गई है। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मां तारा कॉलोनी का है, जहां असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है।
वहीं लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। घटनास्थल पर बबरगंज थाना की पुलिस पहुंच गई है और जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे का पता लगा रही है जिससे अपराधियों का पता चल सके। तत्काल कोई वरीय पदाधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीण पूरन दास जो रिटायर इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हम लोग अपने घरों में कैद हैं। जब हम लोग घर में थे तब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 4 से 5 बार फायरिंग हुई है और हम लोग जब बाहर निकले तो माहौल ही कुछ अजीब दिखा। फिर हम लोग डर से घर में कैद हो गए। और हम खुद पुलिस विभाग के आदमी हैं, उनको गहर थोड़े हैं कि गलत स्टेटमेंट देंगे। हाँ, क्या हुआ था? हुआ जो बतलाए कि अभी आधा घंटा पहले वहाँ से 2 आवाज़ शुरू हुआ, यानी दक्षिण के तरफ से इस रोड का जो कॉर्नर है अब वहीं से लपेटते हुए एक गोली इस जगह भी फायर हुआ, आगे भी एक गोली फायर हुआ और इसी पर सारे लोग अपना अपना डेरा में था, सब लोग बाहर आए। 3-4 आदमी मेरे पास भी आए कॉलोनी का, जब तक तो आप लोग पहुँच गए। क्या गोली चली होगी? 4-5 गोली क्या चलिए। हाँ, कितने लड़के होंगे युवक जो गोली चला? नहीं बतला सकते हैं क्योंकि हम लोग तो ऊपर से ना आवाज आई है। गोली आवाज आई है? गोली का ही था? हाँ, गोली का ही आवाज था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूरन दास, रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर है। भागलपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। पत्नी भागलपुर मायागंज अस्पताल में जहां प्रसव पीड़ा से करा रही है, तो वहीं उसका पति जब अपनी पत्नी और नवजात शिशु से मिलने की इच्छा से अपने घर से अस्पताल की ओर रवाना होता है और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उस युवक का शव एक झाड़ी में फेंका हुआ है। मृतक के सर पर गहरे चोट के निशान भी हैं। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। मृतक 2 भाइयों में छोटा था और घर पर ही रहकर वेल्डिंग की दुकान चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। इस मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात मेरा भाई अपने दोस्त के साथ स्कॉर्पियो से मायागंज अस्पताल अपनी पत्नी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकला था कि रास्ते में ही उसके साथ यह हादसा हो गया। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मेरे भाई के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया जबकि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं देर रात मृतक के नाना भोलू मंडल को पता चला कि चंद्रशेखर अचेत अवस्था में गौराडी के सड़क के किनारे झाड़ी में पड़ा हुआ है। चंद्रशेखर को गौराडी थाने की पुलिस के द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में मृतक के भाई व अन्य परिवारजन मायागंज पहुंचे तो देखा कि युवक मृत पड़ा हुआ था। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यह काफी हृदय विदारक दृश्य था कि उस मायागंज अस्पताल में एक पत्नी जहां प्रसव की पीड़ा से करा रही है, वहीं दूसरी ओर उसका पति मृत उसी अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं इस मामले को लेकर गौराडी थाने के अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने कहा कि मृतक के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, उनके प्राथमिकी दर्ज पर जल्द कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।